अब जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां जिस इंजेक्शन के कभी 1200 रुपया लेते थे, जिन गोली की कभी कभी 350-400 रुपया लेते थे, हमने सबको बुलाया, भाई क्या कर रहे हो, कितनी लागत होती है, क्या खर्चा होता है, और नियम बना करके जो दवाई 1200 में मिलती थी वो 70-80 रुपये में कैसे मिल जाए, जो 300 रुपये में मिलती थी वो 30 रुपये में कैसे मिल जाए। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले, ये काम किया है। दवाई बनाने वाले मुझसे कितने नाराज हो गए इसका आप अंदाज कर सकते हो। आज हार्ट पेशेंट, हर परिवार में चिंता रहती है हार्ट की, हर घर में भोजन के टेबल पर खाने की चर्चा होती है, वजन कम करो, कम खाओ, चर्चा होती है, करते नहीं है कोई, लेकिन डाइनिंग टेबल पे चर्चा जरूर होती है। हर किसी को हार्ट अटैक की चिंता रहती है, और हार्ट में स्टेंट लगवाना, अब हम लोग जानकार तो है नहीं, डॉक्टर कहता है ये लगवाओगे तो 30-40 हजार रुपया होगा, पेशेंट पूछता है कि जिंदगी का क्या होगा, तो कहता है ये लगवाओगे तो 4-5 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर दूसरा बताता है कि ये लगवाओगे इम्पोर्टेड है तो 1.5 लाख रुपया लगता है, ये लगवा दिया तो फिर जीवन भर देखने की जरूरत नहीं है। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार 40 हजार खर्च करके 4 साल जीना है तो 1.5 लाख खर्च करके जिंदगी अच्छी क्यों ना गुजारू, और 1.5 लाख वाला ले लेता है। मैंने स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा बताओ भाई कितना खर्चा होता है, तुम इतने रुपये मारते हो। साल भर उनसे चर्चा चलती रही, आखिरकार 2 महीने पहले हमने निर्णय कर दिया जो 40 हजार रुपये में स्टैंड मिलता है वो उनको 6-7 हजार रुपये में बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जो 1.5 लाख में देते हैं वो 20-22 हजार रुपये में देना पड़ेगा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को एफोर्डेबल हो।